हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ये जो प्रश्न है ये यूकेपीएससी, यूकेएसएससी और उत्तराखंड राज्य की अन्य सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं जॉब्स और एडमिशन के लिए, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 9411513974 पर अपने व्हाट्सअप नंबर से, और आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 111 से यहाँ पे शुरू है। इससे पहले मैंने चार वीडियोस बनाए हैं उत्तराखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जिसमें कि 1 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन है, जिन्हें कि आप मेरे चैनल आरजे स्टूडियो में देख सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स मंगाने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है, किसाओ बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? किसाओ बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? इसका आंसर है टॉन्स। किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर निर्माणाधीन है। राज्य में उत्पादित मंडुआ कौन दो अनाज का निर्यात किया जाता है? पहला जापान, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका, चौथा सिंगापुर। राज्य में उत्पादित मंडुआ कौन दो अनाज का निर्यात किया जाता है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। राज्य में उत्पादित मंडुआ कौन दो अनाज का निर्यात ब्रिटेन को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? ए अरहर, बी सूर्यमुखी, सी बाजरा, डी सोयाबीन। जो अरहर फसल है वो राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। क्वेश्चन नंबर 114, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? वह है, इसका उत्तर है 30। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक 30% भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115, राज्य में दुग्ध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? ए पराग, बी आंचल, सी कानन, डी डेयरी बेस्ट। इसका आंसर है आंचल। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है, बहुत ही अच्छी जानकारी है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है ए धान, गन्ना, झिंगोरा, अरहर, बी गेहूं, धान, मंडुआ, आलू, सी गेहूं, मंडुआ, झिंगोरा, आलू, डी धान, गेहूं, अरहर, मसूर। इसका सही उत्तर है ए धान, गन्ना, झिंगोरा, अरहर उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। क्वेश्चन नंबर 117, कंटूर खेती की जाती है? इसका उत्तर है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में, कंटूर खेती उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस स्थान का बासमती चावल देहरादूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए सूर्यधार, बी चक्राता, सी माजरा, डी डोंगा। इसका सही उत्तर है माजरा। माजरा स्थान का बासमती चावल देहरादूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 119, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत। इसका सही उत्तर है बी चंपावत, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में इसके आने की बहुत अधिक संभावना है। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला नैनीताल जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 120, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मुक्तेश्वर में। उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र मुक्तेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121, उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। प्रश्न 122, उत्तराखंड में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? इसका उत्तर है 0.9 लाख हेक्टेयर। उत्तराखंड में कुल सिंचित क्षेत्र 0.9 लाख हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 123, 123, सातवीं सदी में राजा इंद्रचंद्र जहां से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए? इसका उत्तर है चीन। सातवीं सदी में राजा इंद्रचंद्र चीन से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए। क्वेश्चन 124, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को उपराव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, सहकारी क्षेत्र की कुल कितनी चीनी मिले उत्तराखंड में है? इसका उत्तर है 6। सहकारी क्षेत्र की कुल 6 मिले उत्तराखंड में है। प्रश्न 126, उत्तराखंड की कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? इसका उत्तर है 13.1%।
उत्तराखंड की 13.1% भूमि कृषि योग्य है। प्रश्न 127, निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है। प्रश्न 128, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टि गोचर होता है? इसका उत्तर है कोसी। सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत कोसी नदी बेसिन में दृष्टि गोचर होता है। प्रश्न 129, निम्नलिखित में घास के मैदान के लिए कौन एक नाम नहीं जाना जाता है? इसका उत्तर है पयार। पयार यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं बुग्याल, पयार, अल्पाइन, पास्टर्स और ये सभी, तो जो पयार है वो घास के मैदान के लिए एक नाम नहीं जाना जाता है। प्रश्न 130, विश्वविख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? विश्वविख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चमोली जिले में। सबको ये क्वेश्चन आता होगा, विश्वविख्यात फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। प्रश्न 131, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अल्मोड़ा। अस्कोट वन जीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न 132, गढ़वाल के स्विट्जरलैंड के रूप में निम्न में से किस बुग्याल को जाना जाता है? इसका उत्तर है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को गढ़वाल के स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 133, शीत ऋतु में निम्न में से किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? ए पमवाली कांठा बुग्याल, बी कुआरी बुग्याल, सी चित्रकांठा बुग्याल या डी औली बुग्याल। इसका उत्तर है चित्रकांठा बुग्याल। शीत ऋतु में चित्रकांठा बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होती है। प्रश्न 134, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? ए भील, बी थारू, सी गुर्जर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी थारू। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में थारू जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न 135, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु दो प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? इसका उत्तर है बागेश्वर तथा देहरादून में। विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु दो प्रयोगशालाएं बागेश्वर तथा देहरादून में स्थापित की गई हैं। प्रश्न 136, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थापित है? इसका उत्तर है नैनीताल। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज नैनीताल में स्थापित है। प्रश्न 137, उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न 138, गढ़वाल उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2001। उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को की गई। इन प्रश्नों के पीडीएफ नोट्स मंगाने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।